आपका बेटा कितना बड़ा जी सुबेदार है? LKG में पढ़ता है जी। अल्लाह कितने साल का? 7 साल का। तो कल क्या घटना हुई है जिस तरह की बारे में? ये परसों हुई घटना 24 तारीख में। क्या घटना? ये जो है मैडम बच्चों पे पिटवाई थी, बच्चे को बार बार से, ये जो है वीडियो बना ली। हमारा भतीजा किसी कार्य के लिए गया था स्कूल में, उन्होंने देखा है बच्चे को टॉर्चर करवा रही, और जब हमें पता लगा। आपने भी मैडम से बात की थी, मेरा बच्चा कमजोर है उसको टाइट रखते हैं, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा होया था कई दिन पहले, मगर इसे जो है टाइट रखियो। लेकिन मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं होता। लेकिन बच्चे को एक घंटा दो घंटा टॉर्चर करना, 7 साल के बच्चे को, बहुत जोर पड़ा। बच्चे की तबीयत तो ठीक है, लेकिन डरा हुआ है बच्चा। क्या लगता है आपको जिस तरह से बच्चों पर कितना नींद नहीं मानता? बहुत ज्यादा नींद नहीं मानते हैं जी। तो आपने कंप्लेंट कराई है? जी रात कंप्लेंट करवाई। अच्छा जी, आपकी ओएसी साहब से बात हुई जी? क्या बात हुई? उनसे यही बात हुई कि बच्चे की तालीम न रोकियो, तालीम करवाइयो, और आप चाहते हो तो यहाँ हैदराबाद में बच्चे की तालीम करवाएंगे, ये बात हुई। जब भी चाहेंगे, और यहाँ भी चाहेंगे, किसी भी स्कूल में वहाँ भी तालीम करवाएंगे। पार्टी पूरा खर्च होता है। तो आपके अपने हैदराबाद में? नहीं जी, छोटा बच्चा है, इतनी दूर तो नहीं भेज सकते, इतना बच्चा रहेगा इतनी दूर। जी वैसे हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, माहौल ठीक है यहाँ का, भाईचारा है गांव में भी गुआंड में भी। प्रिंसिपल कहने वो विकलांग है इसलिए बच्चों को बोल दिया मारने के लिए। वो तो उसे पता है जी, लेकिन इतना एक घंटा या दो घंटा बच्चे पे अत्याचार करना, कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसे उलाना लेके गए उनके पास, तो उसने उल्टा हमें निकाला कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम तृप्ता त्यागी है। आप स्कूल चलाते किस नाम से स्कूल है? नेहा पब्लिक स्कूल के नाम से मेरा स्कूल है, ये फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक है। वीडियो जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था, और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से, और ये जो हमारे स्कूल में तो ज्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम हैं। तो उस दिन जो हुआ था ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा उनका मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया, और ज्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज्यादा ही वो किया, क्योंकि 2 महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे 2-4 बच्चों से उसको कहा कि 2-4 बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा, और बस उनका जो है एक चाचा बैठा था वहीं, उसका चाचा जो बैठा था वो मुझसे बात भी कर रहा था और वीडियो बना रहा था। तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मोमडन माए हैं वो अपने बच्चों को मामाओं के यहाँ मत लेके जाओ, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और बच्चा जो है एग्जाम नहीं दे पाता हमारे स्कूल का लॉस होता है पढ़ाई का। बस मैंने ये लाइन बोली थी, तो उन्होंने काट पीट के उस लाइन में एक मोमडन वर्ड तो रखा और उन्होंने सारा काट दिया, और मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं तो सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, और हैं भी सारे अपने बच्चे, टीचर के लिए तो सब अपने बच्चे होते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हमारे स्कूल से निकले, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। अच्छा, ये सामने आ रही है कि जानबूझकर आपने ऐसा कराया?
नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और ना ही मैंने ऐसा किया और ना कभी ऐसा सोचा मैंने, क्योंकि ये भी अपने ही बच्चे हैं। कितने बच्चे बच्चे हैं हमारे स्कूल में? 50-60 बच्चे हैं। हम 5 साल से स्कूल चला रहे हैं। बस साजिश ही बोली जाएगी, ये तो कुछ पता ही नहीं चला क्या किया इन्होंने। मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरा तो इंटेंशन था ही नहीं है, इसलिए मैंने तो कोई छानबीन भी नहीं की। मुझे तो बाद में पता लगा कि इस तरह से वीडियो वायरल है। हाँ ये वैसे है, ये तो गलती हुई है मेरे से। इस चीज के लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, गलती तो हुई है।